Good morning, students. My name is Dr. Pushpendra Kumar Verma. Today I am presenting my lecture for Basic of Educational Psychology के अंतर्गत. मेरा आज का जो topic है वो है Importance of Educational Psychology for the Teacher. और इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से मनोविज्ञान की जो उपयोगिता होती है वो एक शिक्षक के लिए किस प्रकार होती है और किस तरीके से एक शिक्षक को मनोविज्ञान की सहायता से अपने सारी समस्याओं का समाधान करना चाहिए और अपने साथ साथ बच्चों की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को समझना चाहिए और समझने के साथ साथ उन्हें किस तरीके से हमें उनका समाधान करना है इसके बारे में हमें बात करना चाहिए. बात करते हैं हम शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की जो उपयोगिता है वो क्या है और किस तरीके से हमें उस उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक को कार्य करना चाहिए. कार्य करने के साथ साथ हमें किस तरीके से अपने शिक्षण कार्य को उपयोगी बनाना चाहिए, किस तरीके से हमें शिक्षण को उपयोगी बनाने के साथ साथ बच्चों के लिए किस तरीके से हमें अपने शिक्षण कार्य को उपयोगी बनाना है और किस तरीके से हमें उसे पाठ्यक्रम में शामिल करना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए. इसमें डेफिनेशन दी हुई है स्कीनर की. स्कीनर की डेफिनेशन है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है. शिक्षा मनोविज्ञान जो व्यवहार का विज्ञान है, यानी कि जिस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो सीखता है, सीखने के साथ साथ हमें अपने व्यवहार में किस तरीके से हमें परिवर्तन करना चाहिए, किस तरीके से हमें अपने व्यवहार को परिवर्तन लाना चाहिए, ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है. और ये जब हम ध्यान रखेंगे तो हम अपने शिक्षण कार्य को बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ सकते हैं. इसमें बताया गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में उन तत्वों का उपयोग करता है जो कि विशेष रूप से मानव प्राणियों के अनुभवों एवं व्यवहारों से संबंधित है. यहाँ पर बात की जा रही है शैक्षिक परिस्थिति की, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान ये बताता है कि किस तरीके से आपको अपने शिक्षण कार्य में परिस्थिति के अनुसार हमें परिवर्तन करना चाहिए और उस परिवर्तन के साथ साथ जब हम उसे क्रियान्वयन करते हैं उसे, तो हम उन क्रियान्वयन के साथ साथ हम वो सारी चीज़ों को सीख सकते हैं जो हमें अपने व्यवहार में लाना है. यहाँ पर दिया हुआ कि इस परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि शैक्षिक परिस्थिति शिक्षण अधिगम की ही परिस्थिति है जिसका संबंध शिक्षण अधिगम से होता है. यानी कि यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि शिक्षण करते समय, शिक्षण कार्य को करते समय हमें अपने शिक्षण कार्य में किस तरीके से शिक्षण परिस्थिति को ध्यान में रखना है और शिक्षण परिस्थिति के साथ साथ हमें अपने शिक्षण अधिगम में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करना है जिससे बच्चों को सीखने में आसानी हो, बच्चों को समझाने में आसानी हो. क्योंकि जो हमारा कंटेंट होता है, जो हमारी विषय वस्तु होती है, विषय वस्तु के अकॉर्डिंग जब हम अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग जब हम उपकरण को रखते हैं, शिक्षण सामग्री को रखते हैं, तो उसे स्पष्ट करने में, उस विषय वस्तु को स्पष्ट करने में, उस विषय वस्तु को प्रेजेंट करने में ज़्यादा आसानी होती है और बच्चे उसे आसानी से समझ भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं. आगे बात करते हैं हम कि शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के अभाव में, यहाँ पे एक चीज़ बताया जा रहा है कि जब तक एक शिक्षक को मनोविज्ञान का जब तक ज्ञान नहीं होगा, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का जब तक ज्ञान नहीं होगा, यानी कि किसी भी शिक्षक को, जो शिक्षक शिक्षण कार्य करते हैं, जो डेली जो हम शिक्षण कार्य करते हैं और डेली शिक्षण कार्य करते समय जो हमें ज़रूरत की चीज़ें होती हैं कि हमें कंटेंट को पढ़ाने में कौन सी विषय वस्तु की ज़रूरत है, कौन कौन से उपकरण की हमें ज़रूरत है, किस तरीके से हमें पढ़ाना चाहिए, किस और विषय वस्तु को पढ़ाते समय हमें पूर्व के ज्ञान से जोड़कर, पूर्व के अनुभवों से जोड़कर हमें शिक्षण कार्य को करना चाहिए. और जब हम उस परिस्थिति में जब हम शिक्षण कार्य करते हैं कि जिस परिस्थिति में बच्चा होता है, क्योंकि बच्चे के जब हम आईक्यू लेवल का पता लगा लेते हैं कि बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है, बच्चे की सीखने की क्षमता क्या है, और उस जब उसके अकॉर्डिंग जब हम कोई चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, बच्चों के सामने जब हम प्रस्तुत करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे की आयु, बच्चे की बुद्धि लब्धि, बच्चे का वातावरण और बच्चे की सीखने की क्षमता, इसके अकॉर्डिंग जब हम चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो वो उसका प्रभाव एक अलग होता है. तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि शिक्षण मनोविज्ञान के ज्ञान के अभाव में कोई भी शिक्षक
अपने कार्य को कुशलता पूर्वक संपादित नहीं कर सकता है। ये चीज बहुत अच्छी चीज यहाँ पे बताई जा रही है। और आधुनिक समय में शिक्षण मनोविज्ञान का ज्ञान ही शिक्षक की सफलता का रहस्य होता है। इसलिए अपने शिक्षण कार्य को सफल बनाने, छात्रों के सीखने को सरल, सहज और आनंदमय बनाने के लिए शिक्षक को मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करना बहुत जरूरी है। कि शिक्षा में यदि कि शिक्षण कार्य करते समय मनोविज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं उन सिद्धांतों को हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे यहाँ पे थॉर्नडाइक के शिक्षण के तीन सिद्धांत हैं, सीखने के तीन सिद्धांत बताए थे, जिसमें से पहला था आपका तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, और दूसरा था आपका हमारा अभ्यास का नियम, और तीसरा था प्रभाव का नियम। तो ये जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों के अकॉर्डिंग जब हम कोई शिक्षण कार्य करते हैं, कोई चीज़ को हम प्रस्तुत करते हैं, तो बच्चे अपने आप उस चीज़ को समझते हैं, और समझने के साथ साथ उसका प्रभाव ही अलग तरीके से दिखाई देता है। यानी कि उसका इनपुट यानी कि रिजल्ट बहुत आसानी से हमें मिल जाता है। आगे दिया हुआ है यहाँ पर एलिस क्रो के अनुसार, यहाँ पे एलिस क्रो के अनुसार एक डेफिनेशन है, उसको मैं बता देता हूँ। कि शिक्षक को अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो सफल शिक्षण और प्रभावी अधिगम के लिए अनिवार्य होता है। यानी कि यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ बताई है कि शिक्षक को अपने शिक्षण, जो शिक्षक शिक्षण कार्य करते हैं, यानी कि शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो सफल शिक्षण और प्रभावी अधिगम के लिए क्या हो, अनिवार्य होते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे बहुत सारे सिद्धांतों को यहाँ पे बताया गया है, कितने सारे सिद्धांत यहाँ पे, जैसे थॉर्नडाइक का एक सिद्धांत था, थॉर्नडाइक ने एक सिद्धांत दिया था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत में बताया गया है कि बच्चा जितना अधिक बार प्रयास करता है, जितना अधिक बार प्रयास करेगा, जितना अधिक बार अभ्यास करेगा, उतनी ही उसकी जो गलतियां होती हैं वो कम होती चली जाती है। यानी कि जितना हम अधिक अभ्यास करेंगे, जितना अधिक हम उस चीज़ को एक्सरसाइज करते हैं, हमारी जो गलतियां होती हैं, हमारी जो त्रुटि होती है वो कम होती चली जाती है। आगे हम बात करते हैं कि शिक्षकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किस तरीके से उपयोगी है, कौन कौन से बिंदु हैं उसमें, वो चीज़ की बात करते हैं। इसमें पहला पॉइंट दिया है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को सम्यक दृष्टिकोण प्रदान करता है। सम्यक दृष्टिकोण यानी कि कोई भी कंटेंट होता है, उस कंटेंट को हमें किस तरीके से देखना है, किस तरीके से हमें प्रदर्शित करना है, ये चीज़ हमें यहाँ से मिलती है। कि जब तक आपको शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा, उस ज्ञान के अभाव में हम ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, किस तरीके से हमें बच्चों को देखना है, किस तरीके से हमें बच्चों को समझाना है। और ये चीज़ तभी संभव है जब आप शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान रखते हैं। दूसरा यहाँ पर पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को यह सिद्धांत प्रदान करता है जिसके द्वारा वह मानव व्यवहार को भलीभांति समझकर उसका अध्ययन कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, शिक्षा मनोविज्ञान में ये चीज़ बेहतर तरीके से बताई जाती है कि किस तरीके से हम मानव के व्यवहार को समझ सकते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति जो होता है, एक जो शिक्षक होता है, वो बच्चों के बीच में रहता है, और जब बच्चों के बीच में रहता है तो हमें सारे बच्चों की वो एक्टिविटीज़ के बारे में, उनके जो गुण होते हैं, उनके जो दोष होते हैं, यानी कि उनकी जो कमियां होती हैं, वो सारी चीज़ें हमें पता होती हैं। और जब उन सारी चीज़ों को पता होती है तो हम बच्चों को किस तरीके से हमें सिखाना है, किस तरीके से हमें बच्चों को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से हमें उनकी बुद्धि का विकास करना है, उनका तो ये सारी चीज़ें एक शिक्षक को समझ में आ जाती है। क्योंकि जो शिक्षक होता है वो बच्चों के बीच में रहता है, उनके वातावरण को समझता है, और जब उनके वातावरण को समझता है तो उस परिस्थिति को जब हम समझते हैं तो उस चीज़ को हम उसको व्यवहार में अपने आप ले आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर तीसरा, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को यह सहायता प्रदान करता है कि वह बालकों के प्रत्यक्षीकरण, अधिगम तथा स्मृति आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सके। बिल्कुल सही बात यहाँ पर बताई जा रही है। और यहाँ पर ये चीज़ बताई जा रही है कि एक शिक्षक, जब छात्रों के बीच में एक शिक्षक रहता है तो उसे पता होना चाहिए कि एक बालक के सीखने की क्षमता क्या है, और बच्चा कितना सीख सकता है, उसकी स्मृति का लेवल क्या है, उसके सीखने का लेवल क्या है, एक समय में वो कितना सीख सकता है। तो एक समय में बच्चा जितना सीख सकता है हमें उतना ही क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। शिक्षण कार्य का जो एक समय होता है, एक शिक्षण
कार्य होता है, यानी कि एक शिक्षण बिंदु जो होता है उस एक शिक्षण बिंदु को ही हमें एक शिक्षण कार्य में क्या करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए। और उसके बाद अगर बच्चे में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, जब हम इस चीज़ का मूल्यांकन कर लेंगे, और इस चीज़ का मूल्यांकन हमें कक्षा कक्ष में ही करना चाहिए। जब हम कक्षा कक्ष में इस चीज़ का मूल्यांकन कर लेंगे कि सारे बच्चों को लगभग जो भी कंटेंट के अंतर्गत बताया गया है वो सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, सारे बच्चे पूरी तरीके से उस चीज़ को समझ गए हैं, तभी हमें नेक्स्ट स्टेप में यानी कि सेकंड बिंदु में आगे बढ़ना चाहिए, दूसरे स्टेप में। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई जा रही है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है, शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी के द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, एक कक्षा कक्ष के दौरान जब एक शिक्षक शिक्षण कार्य करता है तो मैंने आपको बताया है कि वो शिक्षक छात्रों के बीच में रहता है, विद्यार्थियों के बीच में रहता है, और उसको पता होता है कि कौन सा बच्चा आसानी से सीख रहा है और किस बच्चे को कठिनाई हो रही है, यानी कि सीखने में कठिनाई का अनुभव हो रहा है। तो हमें किस तरीके से बच्चे को शिक्षण कार्य के प्रति अभिप्रेरित करना है, किस तरीके से हमें उस बच्चे को मोटिवेट करना है, इस चीज़ को हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। और ये तभी संभव है जब आप शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ते हैं या शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी रखते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनके कक्षा कक्ष में पढ़ाते समय बच्चों को बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, या जो बच्चा जिस स्कोर को प्राप्त करना चाहता है, जिस मार्क्स को प्राप्त करना चाहता है, वो रिजल्ट उस बच्चे को नहीं मिलता है, किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई कमी रह जाती है पढ़ने में। तो हमें बच्चे को, जो बच्चे डिमोटिवेट होते हैं, उन बच्चों को हमें मोटिवेट करना चाहिए कि किस तरीके से आप अपने लर्निंग अधिगम क्षमता को और अधिक बेहतर तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, किस तरीके से आपको पेपर देते समय अपनी स्ट्रेटजी को बनाना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब एक शिक्षक के अंदर जब ये सारे गुण आ जाते हैं तो वो अपने आप ऑटोमेटिक बच्चों को अभिप्रेरित करते रहते हैं। और हमेशा हमें ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चे डिमोटिवेट होते हैं, जो बच्चों को समझ में नहीं आता है, जो बच्चे समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, या जो बच्चे रिजल्ट सही नहीं लेकर आ पाते हैं, या जिन बच्चों का प्रदर्शन क्लास में कक्षा कक्ष में अन्य बच्चों की अपेक्षा कमज़ोर होता है, उन बच्चों को हमेशा हमें मोटिवेट करना चाहिए, हमें बच्चों को आगे बढ़ने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, छात्रों की सांवेगिक तथा व्यक्तित्व के विकास में शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान से सहायता कर सकता है। बिल्कुल सही बात यहाँ पर बताई जा रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक शिक्षक किस तरीके से बच्चे के अंदर व्यक्तित्व के वो सारे गुण, यहाँ पर जो व्यक्तित्व के गुण होने चाहिए, उस व्यक्तित्व के गुणों से किस तरीके से अभिप्रेरित कर सकता है, ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक शिक्षक को हमेशा आदर्शवादी होना चाहिए। जब शिक्षक आदर्शवादी होगा तभी बच्चे भी आदर्शवादी होते हैं, तभी बच्चे शिक्षक को अपना आइडियल मानते हैं और शिक्षक के वो सारे गुणों को ऑब्जर्व करते हैं जो एक शिक्षक के अंदर होते हैं। तो हमेशा हमेशा एक शिक्षक को आदर्शवादी होने चाहिए, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, हमेशा सही रास्ता हमें दिखाना चाहिए, हमेशा हमें इस चीज़ के लिए प्रेरित करना चाहिए कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना है, हमें सत्यवादी होना चाहिए। तो ये सारे जो व्यक्तित्व को गुण होते हैं, किस तरीके से हमें हमारी पर्सनालिटी होनी चाहिए, किस तरीके से हमें कपड़े पहनने हैं, किस तरीके से हमें अपने ड्रेसअप को रखना है, तो ये जो छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं, इस चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इस चीज़ को हमेशा कक्षा कक्ष के दौरान एक शिक्षक को हमेशा छात्रों के प्रति अभिप्रेरित करते रहना चाहिए ताकि छात्रों में भी वो गुण विद्यमान हो जाए। नेक्स्ट छठवां पॉइंट है कि विद्यालय एक लघु समाज है जिसमें प्रवेश लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति परिवार तथा पास पड़ोस के लघु समुदाय से आता है, अतः शिक्षक के लिए सामाजिक व्यवहार की जानकारी प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है जो शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा संभव है, और यह जानकारी शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि जो विद्यालय होता है वो समाज का एक लघु रूप होता है। जॉन डीवी ने बताया था कि जो विद्यालय होता है वो समाज का एक छोटा रूप होता है, क्योंकि विद्यालय से ही एक समाज का निर्माण होता है।
विद्यालय में ही विभिन्न प्रकार के, विभिन्न समुदाय के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के बच्चे क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसलिए जब विभिन्न धर्मों के, विभिन्न समुदाय के लोग विद्यालय में अध्ययन करते हैं तो वहाँ से ही एक छोटे से, क्योंकि कई धर्मों के बच्चे, कई जातियों के बच्चे, कई समुदाय के बच्चे जब अध्ययन करते हैं तो वहाँ से ही एक समाज का निर्माण होता है। इसलिए विद्यालय को समाज का लघु रूप यानी कि एक छोटा रूप बताया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है कि शिक्षक के लिए सामाजिक व्यवहार की जानकारी यानी कि समाज में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं और उन घटनाओं से बच्चों में क्या प्रभाव पड़ रहा है, बच्चे उससे किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, बच्चे क्या उसे सीख रहे हैं, ये सारी चीज़ें की जानकारी जब एक शिक्षक को होगी और शिक्षक जब उस चीज़ को अपने कक्षा कक्ष में उस चीज़ को अप्लाई करता है तो उसे कक्षा में एक बहुत पॉजिटिव एक प्रभाव पड़ता है और पॉजिटिव प्रभाव पड़ने से क्या होता है, समाज का विकास होता है, समाज में सुधार होता है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि एक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का जो जानकारी है वो जानकारी होना बहुत जरूरी है। सातवां पॉइंट है, प्रत्येक विद्यार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अपनी शक्तियों और दुर्बलताओं के साथ प्रत्येक छात्र का एक अलग व्यक्तित्व होता है और उसका ज्ञान शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। बहुत अच्छी चीज यहाँ पर बताई जा रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक कक्षा कक्ष में जब विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं तो जब विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं तो उनमें विभिन्न प्रकार की बुद्धि लब्धि भी पाई जाती है, विभिन्न प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है, विभिन्न प्रकार की सीखने की क्षमताएं भी बच्चों में अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक शिक्षक को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो शिक्षक के द्वारा जो विषय वस्तु यानी कि जो कंटेंट कक्षा कक्ष में प्रस्तुत किया जा रहा है वो सभी छात्रों को समान रूप से बच्चे सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो हमें कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, किस तरीके से हमें शिक्षण कार्य को प्रदर्शित करना चाहिए, कौन सी विधि से हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए ताकि सारे बच्चे क्लास में समान रूप से सीखने लगें। तो इस चीज़ का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक होता है एक शिक्षक के लिए और ये शिक्षक और इसलिए एक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है। आठवां पॉइंट है, शिक्षक को कई प्रकार की परीक्षाएं लेनी होती है, इन परीक्षाओं को लेने में शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता ले सकता है। बिल्कुल सही बात है कि आपने देखा होगा कि एक जब विद्यालय में पहले तो तीन प्रकार की परीक्षाएं हुआ करती थी, त्रिमासिक परीक्षा होती थी, अर्धमासिक परीक्षा होती थी और वार्षिक परीक्षा होती थी और तीनों ही परीक्षाओं का पैटर्न अलग अलग रखा जाता था कि यूनिट बाई यूनिट हम पेपर को क्या करते थे, बनाते थे। तो यहाँ पे एक शिक्षक को कक्षा में जब विभिन्न बुद्धि लब्धि के जब बालक होते हैं, विभिन्न बुद्धि लब्धि के जब बालक होते हैं तो हमें पेपर को किस तरीके से हमें डिज़ाइन करना चाहिए यानी कि उसमें सरल से कठिन की ओर हमें पेपर को डिज़ाइन करना चाहिए कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों जो सरल हों, थोड़ा सा कुछ और कठिन होना चाहिए और फिर उससे ज़्यादा कठिन, यानी कि बच्चे सारे बच्चे उस पेपर को पूरी तरीके से समझ पाएँ और समझने के साथ साथ सभी प्रकार के बच्चे उस पेपर को सॉल्व कर पाएं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना एक शिक्षक के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक उन शोध कार्यों से परिचित होता है जो शोध मानव व्यवहार के संबंध में की जाती है। बिल्कुल सही बात है कि एक शिक्षक जो होता है, एक शिक्षक समाज में विभिन्न प्रकार के जब मानव से मानव जब होते हैं, विभिन्न प्रकार के उनमें जब बुद्धि लब्धि होती है, विभिन्न प्रकार के जब मानव विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, डिफरेंट टाइप्स के जब कार्य किए जाते हैं समाज में, तो जब विभिन्न प्रकार के शोध कार्य किए जाते हैं समाज में तो समाज में कौन कौन सी आवश्यकताओं को ध्यान में रख के शोध कार्य किए जा रहे हैं, किस परिस्थिति में शोध कार्य किया जा रहा है, इन सब चीज़ों को जब हम ध्यान में रखकर मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है और इस चीज़ को एक शिक्षक को ध्यान में रखकर ही कार्य करना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट है, बालक कैसे सीखते हैं, क्यों सीखते हैं, किन परिस्थितियों में सीखते हैं, इन सभी बातों की चर्चा शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आती है। इन सभी चीज़ों की जानकारी एक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल सही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि बालक कैसे सीखता है, बालक किन परिस्थितियों में सीखता है, ये सारी चीज़ें एक शिक्षक को पता होना चाहिए कि बालक किन परिस्थितियों में सीख रहा है। यानी कि कुछ बालक ऐसे होते हैं कि जिनको संपूर्ण सुविधाएं दी जाती हैं, संपूर्ण प्रकार के व्यवस्थाएं होती हैं, और उन व्यवस्थाओं में रह के एक बालक ज्ञान को अर्जित कर रहा होता है, और एक बालक वो होता है जिसके पास सुविधाएं नहीं है, फिर भी वो उन बालकों की अपेक्षा अधिक ज्ञान को अर्जित करता है जिनके पास सुविधाओं की कमी है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, एक शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बालक कैसे सीखता है, क्यों सीखता है और किन परिस्थितियों में सीखता है, और उन परिस्थितियों का उस बालक पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब एक शिक्षक को पता होगी तो उसे शिक्षण कार्य को करने में बहुत ही आसानी होती है। और शिक्षण कार्य में कहाँ पर कठिनाई आ रही है, किस तरीके से वो अपने शिक्षण कार्य को और अधिक प्रभावी बना सकता है, इस चीज से अगर शिक्षक परिचित है तो वो अपने कंटेंट को, अपने विषय वस्तु को और अधिक प्रभावी बना सकता है। 11वां पॉइंट है, शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से बालकों को दैहिक, वैदिक, बौद्धिक तथा सामाजिक विशेषताओं से परिचित करा सकता है। यहाँ पर बहुत अच्छी चीज बताई जा रही है कि शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से जो दैहिक प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, या बौद्धिक या सामाजिक प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, जो विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं से भी एक शिक्षक क्या कर सकता है, परिचित करवा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक उन विधियों की जानकारी प्राप्त कर सकता है जिसके प्रयोग से वह छात्रों का चारित्रिक विकास कर सके। बिल्कुल सही बात है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हमें इस चीज़ का भी ध्यान में रखना चाहिए कि कक्षा कक्ष के द्वारा सारे छात्रों में चारित्रिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो किस तरीके से हमें विषय वस्तु में कौन कौन से कंटेंट को हमें शामिल करना चाहिए जिससे बच्चे में चारित्रिक विकास हो सके। और चारित्रिक विकास के साथ साथ हमें इस चीज़ का भी ध्यान में रखना चाहिए कि सारे छात्र उस छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर नहीं हो रहा है तो हमें कौन कौन से कार्यक्रम हमें चलाने चाहिए, कौन कौन से ऐसे किताबों को हमें कंटेंट में शामिल करना चाहिए जिससे बच्चों में चारित्रिक विकास हो सके, चारित्रिक विकास के साथ साथ बच्चों में नैतिक मूल्यों का भी विकास हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव व्यवहार मूल प्रवृत्तियों द्वारा चालित होता है तथा शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक यह ज्ञान प्राप्त कर सकता है कि मूल प्रवृत्तियां किस प्रकार बालकों के व्यवहार का कारण होती हैं। मैकडूगल्स ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों को बताया हुआ है, और 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां सभी मानव में निहित होती हैं, और उन 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों से ही छात्रों का विकास होता है। और छात्रों के विकास के साथ साथ हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि उन मूल प्रवृत्तियों का विकास हम कैसे कर सकते हैं, और उन मूल प्रवृत्तियों से छात्रों के विकास को किस तरीके से हमें जोड़कर पढ़ाना है, किस तरीके से हमें विषय वस्तु को आगे बढ़ाना है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को शिक्षण विधियों के चुनाव में सहायता करता है, ये चीज़ भी ध्यान में रखना है एक शिक्षक को कि शिक्षण कार्य करते समय कौन सी हमें सरल से सरल शिक्षण विधि को अपनाना है जिससे बच्चे आसानी से आपके विषय वस्तु को समझ सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, आधुनिक शिक्षा बाल केंद्रित आधारित होती है, बालकों को उसकी शिक्षा, उसकी रुचियों, योग्यताओं और मानसिक अवस्थाओं आदि को ध्यान में रखकर ही हमें क्या करना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए, ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखना है। थैंक यू, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे पे होगा, और थैंक यू, धन्यवाद।